गाइस तो आ गया हूँ मैं वापस। डीजे इज बैक। गया कहीं नहीं था, लेकिन एक ट्रिक के लेके आया हूँ मैं। ट्रिक तो वो ट्रिक गाइस कुछ नहीं है, मैं अपने थोड़ी सी एमो उठा लेता हूँ। और आज हम बात जो करेंगे वो करेंगे पुश टू टॉक। यानी मोबाइल प्लेयर्स हैं गाइस, वो लोग तो हमारे कर लेते हैं पुश टू टॉक का यूज। जैसे ये देखो, मोबाइल प्लेयर्स को क्या करना होता है, वो लोग दबा के रखते हैं उसे और ये वेव्स आती रहती हैं और वो आपस में बात कर लेते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं सर सर की आवाज़ को बंद करता हूँ, जो कि ये मास्टर वॉल्यूम है। ओके तो गाइस, अब ये मास्टर वॉल्यूम आवाज़ बंद कर दिया, तो बात कर रहे थे पुश टू टॉक की। तो जब भी वो पुश टू टॉक वाला दबा के रखते हैं, अपने माइक पे होल्ड रखते हैं, तो ये देखो बातें दूसरे लोग सुन सकते हैं। तो अब करें क्या, अब हम एमुलेटर प्लेयर हम कैसे करें? तो इसके लिए मैंने क्या करा गाइज, एक छोटा सा तरीका निकाला जिसको कहते हैं की मैपिंग। अब हम करेंगे की मैप करेंगे इसके अंदर भी। तो मैं दिखा, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है गाइस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखो ये आता है, इसको हटाओ। यहाँ पे आपको कीबोर्ड दिखेगा, कीबोर्ड दिख रहा है तो बहुत बढ़िया है गाइस। ये देखो कीबोर्ड दिख गया मुझे, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ गाइस। या तो गाइस देख सकते हो ये मेरा पूरा कीबोर्ड है यहाँ पे। तो ये देखो ये लिखा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइस मैं रीसेट करके दिखाता हूँ एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है। तो नॉर्मली ये होता है आप लोगों के पास, तो ये देख सकते हो नॉर्मली गाइस ये होता है। अगर मैं वाई को दबा के रखूँ इवन, तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ये लेगा ही नहीं है ना। तो वाई को अगर मैं रखता भी हूँ तो कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा मुझे। तो मुझे क्या करना है, कीज को चेंज करना है गाइस। तो आपको इसको दोबारा खोलना है, इस की को उड़ा देना है सिंपली। यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इस की को इधर ले आना है और कैप्स दबा देना है, या कोई भी बटन जो आपको चाहिए। मेरे को कैप्स चाहिए क्योंकि कैप्स मुझे ईजी पड़ता है। और कैप से फ़ायदा क्या है गाइस, शिफ्ट के जस्ट जस्ट ऊपर है। हेलो गाइस, दिस इज रोहित सिंह एंड यू कैन से द टीजर बेबी। ठीक है गाइस, तो ये डीजे हो गया। और तो गाइस यही था एक छोटा सा ट्रिक। मैं आपको और भी एक ट्रिक देने वाला हूँ, वो ट्रिक होगी स्कोप चेंज करने की। कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्कोप होते हैं, तो इनमें से कैसे चेंज करें बहुत जल्दी। यहाँ पे स्कोप होगा गाइस, तो चलो उसके लिए तरफ चलेंगे हम गाइस। और उसके तरफ मैं देखूंगा कि कौन सी चीज़ मैं लेके आऊँ जो अच्छे से चल जाए। ओके गाइस, तो इससे पहले कि और क्या दिखा सकता हूँ मैं आपको, हाँ तो गाइस ये रहा। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ आपको करना क्या है, इस वाले बॉक्स पर क्लिक करो, ये सारी चीज़ दिखेगी गाइस आपको। ठीक है, इसको साइड, इसको उड़ा देना है। आप चाहे तो इसको नीचे ऊपर कहीं भी कर सकते हो, मैं कर नहीं रहा हूँ। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करोगे ये आएगा, इसको सेट करना है, कैप दबा देना है। ओके गाइस, एंड देन सेव कर देना आपको, नॉर्मली सेव देन आप। ये आपका हो गया गाइस, बहुत ही प्यार से हो गया। और इसको रिलोड मारना है तो रिलोड मार लो यार। और गाइस ये रहा अपना, लग गया। तो छोटी सी वीडियो लेके आया, बहुत बढ़िया। और हाउ टू यूज़ टू स्टॉक ऑन इमुलेटर। और मोबाइल प्लेस को कुछ नहीं करना होता गाइस, उस पर होल्ड रखते हैं वो और बोल पाते हैं, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ हेलो 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 मेरे दोस्तों। तो इतना ही था, बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी कि हम ये अपने स्कोप्स को कैसे चेंज करें। अगर मेरे पास दूसरा स्कोप होता तो चेंज कर सकते थे। चलो दिखा देते हैं कि उस वो वीडियो आने वाली क्या है। तो इमुलेटर प्लेयर्स के लिए आएगी, फ़ोन प्लेयर्स तो यूज़ कर सकते हैं। इमुलेटर प्लेयर कैसे यूज़ कर पाए उसको, इजिली बाय यूजिंग द कीज़। तो चलते हैं गाइस, एक स्कोप उठाते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली होगा क्या। वो फुल की मैपिंग तो होगी गाइस, ज़्यादा की मैप करनी पड़ेगी, इसलिए दिक्कत हो सकती है। और मेरे को पास यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 4x भी पड़ा हुआ है, ठीक है। आई वॉन्ट टू चेंज इट, नहीं ओके, मैंने ये लिया स्कोप आ गया गाइस। और मेरे को यहाँ से चेंज करना फटाफट 4x। नो इन्वेंट्री को ओपन करके सेव नहीं करना है गाइस, यहाँ पे दिया हुआ इतना बड़ा लगा लो भैया। ओके आ जाओ, खतरनाक बहुत ज़्यादा वो है ना, अभी खेल नहीं रहा हूँ तो गाइस इसलिए बता थोड़ा सा प्रॉब्लम। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे स्कोप को फुल की स्कोप लेके आए। देखो गाइस, हम चाहते नहीं है कि कंट्रोल निकाल के ले जाए यार, कंट्रोल निकालने का मतलब हमारा स्क्रीन का पूरा ये मूवमेंट गायब हो जाना गाइस, और फिर फायर भी नहीं कर सकते आप।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ऐसे भाग लिए तो ओनली फॉर द बुकिंग पर हो जाता है। तब तक के लिए भाई भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो में। गुड बाय। और ये मेरा पार्सल जारी।